कचऱ्यात मोठ्या प्रमाणात माती मिसळल्याचे वृत्त मिळताच शिवसेना शहर प्रमुख नितीन तिवारी हे महानगरपालिकेच्या झोन क्रमांक 10 मधील झिंगाबाई टाकळी येथील कचरा कुंडीवर पोहोचले. तेथे मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसले. आजूबाजूच्या परिसरात बीव्हीजी वाहने आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा दिसत होता. गोळा केलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यामधून जेसीबीने ट्रक क्रमांक MH40BL2429 मध्ये माती भरून कचरा टाकला जात असल्याचे दिसले. महापालिकेने हा माती मिश्रित कचरा भांडेवाडी डंपरमध्ये टाकला. तिवारी यांनी बीव्हीजी कंपनीच्या या कृत्याचा व्हिडिओ बनवून घनकचरा उपायुक्त गजेंद्र महाल यांना पाठवून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे सांगितले. स्थानिकाच्या आदेशावरून महापालिकेचे झोन अधिकारी भूषण गजबिये घटनास्थळी पोहोचले. मात्र दोषी ट्रक फरार करून ताज्या कचऱ्याने भरलेला दुसरा ट्रक आणि ट्रक क्रमांक MH40BL2436 तपासणी करून महापालिकेच्या डोळ्यात अंजण घालण्यात आले. बीव्हीजी कंपनीकडून झोन क्रमांक 6-10 मधून दररोज सुमारे 250 टन माती कचऱ्यात मिसळून भांडेवाडी डंपमध्ये 1850 रुपये या दराने 450,000 रुपयांचा चुना टाकला जात असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. मनपाच्या तिजोरीत खुल्याम पैसे जमा केले जात आहेत. ही बाब वारंवार महापालिकेच्या समोर आणूनही महापालिकेने कचरा टाकणाऱ्या कंपन्यांवर मेहरबानी का केली असा आरोप तिवारी यांनी केला असून महापालिकेवर काही मोठा राजकीय दबाव निर्माण होण्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली असून त्यामुळे महापालिकेसमोर महापालिका बटूत दिसत आहे. बीव्हीजी कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक रमाकांत बोंबले यांना तात्काळ पदावरून हटवा, अन्यथा महापालिकेविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा तिवारी यांनी दिला. मैं नितिन तिवारी, शिवसेना शहर प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे. मैं बीव्हीजी का फिर से वो मट्टी और कचरा घोटाला आज ताजा घोटाला उजागर करने आया हूँ. ये देखिए, आपको मट्टियां दिख रही है और ये मट्टियां पूरी की पूरी ये पूरे कचरे में मिलाई जा रही है. मट्टी जेसीबी लोड कर रहा है. ये टिप्पर MH40BL2429 नंबर का टिप्पर इस मशीन द्वारा भरा जा रहा. ये देखिए, ये पूरा मट्टी का ढीग लगा हुआ है. ये पूरा मट्टी का ढीग, ये मट्टी का ढीग आपको कचरे टप में दिखाऊंगा. ये पूरा मट्टी का ढीग लगा हुआ है. ये मट्टियां इस कचरे के साथ भरी जाती है. ये 10 नंबर झोन की कहानी है. वो देखिए मट्टियां और ये कचरा, ये इस प्रकार से जेसीबी से ये भरा जाता है और जेसीबी के साथ ये कचरा के साथ मट्टी के साथ यहाँ कचरा, यहाँ मट्टियाँ, ये कचरा है और ये दिखेगी आपको मट्टी. यहाँ से मट्टी उठती है और ये कचरा मिक्स होके, ये पूरा अंधा कारोबार. प्रदीप ठाकरे यहाँ का झेडो ऑफिसर है और इसके साथ यहाँ पे पूरा ये काम चालू है. और रमाकांत जो बीव्हीजी का प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये लोग मिलके नागपुर महानगर पालिका को करोड़ों का चूना लगा रहे. मैं एक बार फिर से ये मामला उजागर कर रहा हूँ. कई बार किया, भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बैठा ली थी, आदरणीय अविनाश ठाकरे जी के इसमें एक समिति बैठी थी. वो समिति का क्या हुआ, उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया, फिर से कुछ पहलुओं के तहत कानून का हवाला देकर इन कंपनियों को बचा दिया गया. आज ये कंपनियां जिस हिसाब से ये मट्टी और जिस हिसाब से कचरा कर रही है, मैं एक बार फिर डॉक्टर महल्ले साहब, आप घन कचरा उपायुक्त हैं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आदरणीय गजबिये साहब, आप यहाँ के सरकारी झेडो ऑफिसर है 10 नंबर जोन के, प्रदीप ठाकरे को तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर यहाँ का जो इस बीव्हीजी का जो सुपरवाइजर है, जो झेडो है बीव्हीजी कंपनी का, उसको निकालो और रमाकांत को हटाओ. क्योंकि रमाकांत जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, इस प्रकार का कचरा चलता रहेगा और मट्टी का घोटाला चलता रहेगा. नागपुर महानगर पालिका का जो पैसा है, ये जनता का पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा मट्टी के रूप में वसूल किया जा रहा है. मनपा से रोज का 10 लाख रुपए मट्टी के रूप में वसूल किया जा रहा है. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तुरंत तुरंत गजबिये जी आप आइए, ये तुरंत मट्टियों के ढीग हटाए, दुकानदारी बंद कीजिए इनके खुले टप की. ये जितनी कचरे और मट्टी के डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब बंद कीजिए. और डंपिंग इंचार्ज राठौर साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाड़ियों को ब्लैकलिस्टेड कीजिए 10 नंबर जोन की. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.